हाँ, किस केस की आप बात कर रहे हैं? तो उस केस के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। भोरी में एक आदिवासी लड़के को मार के और फांसी लगा दिया गया था। हत्या करने के बाद और उसको ये दिखा दिया गया था कि ये फांसी लगा है, जबकि कोई भी आदमी अगर फांसी लगाता है तो उसका पैर हाथ सब बता देता है कि हाँ फांसी लगा हुआ है। वो एकदम बैठा हुआ है और उसमें बैठे बैठे कोई फांसी लगा लेगा? इसकी जांच सही ढंग से नहीं की गई, ना इसमें कोई पुलिस वाले ने रोल दिया, ना विधायक जी ने रोल दिया। मऊगंज थाने के अंतर्गत ही आता है या हनुमना थाने के अंतर्गत? हनुमना थाने के जी। बीते कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि मऊगंज और हनुमना थाना क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सही बात। तो इसमें किसकी सही या किसकी असक्रियता, पुलिस की या फिर प्रशासन और जो तो राजनीतिक, दोनों लोग जो तो असक्रिय हैं इसकी वजह से ऐसा लगा? जी दोनों, शासन भी और ये जो आप बोल रहे हैं नेता विधायक जी जो है, ये लोगों की भी मिली भगत है। अधिकारियों को भी इनका संरक्षण मिला? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से ये सारी घटनाएं घट रही हैं। जी जी, कहीं ना कहीं जनता के बीच असंतुष्टि का कारण भी एक जी, सही बात है। इस यही एक कारण है कि जो जनता संतुष्ट नहीं है आज के वर्तमान विधायक जी से भी, और पिछले कुछ वर्षों से जो विधायक थे सुखेंद्र सिंह उनके जमाने में भी ऐसा एक दो केस ऐसे हुए थे कि जिसमें कि आज तक पता ही नहीं चला कि किसने क्या किया, और वही जो पकड़ भी जाते हैं तो नाबालिग को खड़ा कर देते हैं, नाबालिग में अब उसमें क्या कर सकते हैं, जुवेनाइल कोर्ट में जाता है, कुछ समय के बाद छूट जाते हैं। तो जो मेन अपराधी होता है वो बच जाता है। और ये एक तरीका है कि कम उम्र के बच्चों को जो इस पे आरोप करके लगा जेल में डाल दो, जिससे जो होते वो मुख्य आरोपी बच जाए और नाबालिग आरोपी भी जल्दी ही छूट जाए। जी जी जी, यही सब। तो ऐसी कितनी घटनाएं लगभग इस क्षेत्र में होती हैं? अब हमारे अभी तो फिलहाल मौजूदा में तीन घटना तो अभी हुई हैं, और इसके पहले भी दो घटना घट चुकी हैं, जहां मार के एक लड़की को, पता नहीं वो कहाँ की लड़की थी क्या था, उसको जला के और फेंक दिए थे, चेहरा जला दिए थे, उसकी भी आज तक शिनाख्त नहीं हुई। नया नाला के पास आपके यहाँ जो बहुत ही वाटरफॉल है वहाँ पे भी बहुत सारी अपराध की घटनाएं भी होती हैं। जी जी, वो शायद देवतला विधानसभा क्षेत्र जी आता है, और वहाँ तो अक्सर जो तो बरसात के टाइम पे जब ये चीजें होती हैं, जलप्रपात जब बढ़ता है उसी टाइम पे कई घटनाएं हर वर्ष ऐसी होती हैं। पिछले साल अष्टभुजी माता में आई हुई थी वो लड़की, तो उसके साथ नाबालिग लोगों ने रेप किया था। जी, ऐसे कई केस हैं कि जिसका आज तक आदमियों को समझ में ही नहीं आया कि असल में कौन कर रहा है, या अपराधी पकड़ जाए, ऐसा नहीं हुआ। कुछ केस ऐसे जैसे बता रहे हैं आप लोग कि आरोपी सबके सामने है लेकिन उसके बाद भी नाबालिग को खड़ा कर दिया। जी जी, क्योंकि उस पे राजनीतिक संरक्षण। जी जी, राजनीतिक पूरा संरक्षण, इसीलिए ना नहीं पकड़े जा रहे हैं। टीआई हैं और जो नहीं पकड़ना जा, मतलब जो नहीं किया है वो पकड़ा जा रहा है, बेकसूर बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बार मान लीजिए कि अगर प्रदीप पटेल को जो हो तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो स्थिति बीजेपी की कमजोर हो सकती है थोड़ा सा। आप इधर आ जाइए, इधर ही आ जाइए आप। बिल्कुल, ये तो सही बात है, 100% कम होगी। तो फिर किसको टिकट देना चाहिए? वो तो नेता है भाई, तो टिकट तो सब लेंगे, लेकिन उसमें कई नेता हैं। पिछले बार बीएसपी से एक व्यक्ति चुनाव लड़े थे, मृगेंद्र सिंह, इस बार अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो अगर उनको बीजेपी टिकट देती है तो फिर क्या स्थिति रहेगी? अब ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा लोग नहीं उनको जाने हैं, अभी धीरे धीरे जान रहे हैं। जैसे पिछले बार खड़े हुए थे बीएसपी से लेकर टिकट, तो ये भी लगता है जनता को कि आज इनका टिकट लिए हैं, कल उनका टिकट लिए हैं, परसों उनका, तो ये किसी तरफ नहीं है, ये भी एक जनता के बीच में दूसरी सोच हो जाती है। नहीं, मतलब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रदीप पटेल की जो एक असंतुष्टि है लोगों के बीच में, तो उस असंतुष्टि के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार अगर आता है तो वो बेहतर होगा, बेटर अगर कोई खड़ा होगा तो वो निकाल लेगा, लेकिन इनकी तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। सुखेंद्र सिंह बन्ना चुनाव जीत जाएंगे? अब सुखेंद्र सिंह बन्ना जीत जाए कि मृगेंद्र सिंह जीत जाए, जीते यही दूंगे। प्रदीप पटेल नहीं जीतेगा। और विकास यात्रा में गांव गांव गए थे? जी, गांव गए थे, और वहां पे कई जगह ऐसा भी हुआ कि कहीं पथराव हो गया, कहीं लोग जी नाम गांव में वो अच्छा आदमी बोला कि आप 5 साल विधायक थे मेरे गांव में, का किए
कौन से योजना दिए हैं उसके बोल दिए दारू पिए हैं उसके पुलिस पकड़वा के बंद करवा दिए और इसके बाद में पथराव चालू हो गया। उस घटना में 10-12 लोग घायल भी हो गए थे। एक लड़की के पत्थर लग गया था उसका सीरियस हो गई थी। तो इस तरीके की भी घटनाएं कई गांवों में प्रदीप पटेल हुई है।